तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को मालूम है, एक नया इवेंट आ चुका है, द लास्ट टाउन हॉल 13 चैलेंज करके। इसमें आपको कोई एक क्वीन को यहाँ से टेक डाउन करना होता है, और हम इस क्वीन को फोकस करते हैं क्योंकि ये क्वीन क्या करे एबिलिटीज देना है। क्वीन गई एंड फौरन निकल गई। अब आपको कोशिश करना है सभी हीलर्स यहाँ से मर जाए। अब जैसे सभी हीलर मर जाएंगी तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। वार्डन को यहाँ पे ग्राउंड पे रख के इस पोजीशन पे आपको देना है, एकदम कोना में पत्थर के पास पे। देखिए सभी हीलर मर चुकी है, एकदम पत्थर के पास आपको देना है पांच वो हीलर के साथ। अब रेज कर दो, एक फ्रीज इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर देगा वार्डन हम लोग का। चलिए अब हमको यहाँ से आसानी से सिंगल टारगेट मिल गया है, तो अब आप समझ सकते हो कि अब इस तरह से अब प्लान आसानी से काम कर जाएगा। अब हमको बस अभी 5 मिनट टाइप आपको वेट करना है, क्योंकि अब सभी चीज़ें हमारे अनुसार हो रही है। आपको एक हेड हंटर देना है, और ये हेड हंटर स्किन को कि वाट लगा देगा ख़त्म। ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना है, बोलना बहुत खतरनाक होता है, ज़्यादा बोलोगे खतरा मिलेगा। जनरली अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक और रेंज देना पड़ेगा क्योंकि रॉयल चैम्पियन, अरे वाइस आउट रेंज कर रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी रॉयल चैम्पियन के पास पहुँच जाएगा। मेरा कास आउट रेंज कर जाए, आप लोग का मैक्सिमम केसेस में आउट रेंज नहीं कर पाती है, तो आप लोग को एक फ्रीज देना पड़ सकता है, अपना रेज देना पड़ सकता है। अब मैं लकी था या क्या था पता नहीं, आउट रेंज कर गया। हाँ चलो, अब इस तरह से आपको अभी और भी 2-3 मिनट और वेट करना है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको लास्ट में टेक डाउन करना है। यहाँ से आपको टाउन हॉल और वो सब हीरो सब लेना है, और अभी 2-3 मिनट के बाद यहाँ पे आपको क्वीन और आरसी उतारनी है, और फिर एक क्या बोलते हैं यार बात पे ये क्या हो गया, रेज आपको सभी वार्डन्स के ऊपर दे देना है। वार्डन्स नहीं, वार्डन, लेकिन मैं वार्डन्स बोलूँगा, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा वार्डन मेरी मर्जी। हाँ, आई नो, बहुत घटिया लॉजिक, RIP लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बढ़ जाना हमें का। चलो अब इस हेड हंटर का क्या काम है, ये हेड हंटर क्लीन अप के लिए काम करता है, और बैलून्स का भी वही काम है। बैलून का मुझे नहीं लगता बैलून का कोई खास काम है। बैलून यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ठीक था, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि कुछ वो है, क्या उसे कहते हैं, कुछ तो कहता है, कुछ अच्छा सा नाम है, मैं भूल गया। चलो अब यहाँ से आपको क्वीन एनिमी की और एक और क्वीन मिल जाएगी, और सेट किंग भी, और हाँ सब कुछ आपको सब कुछ वार्डन के साथ ही आपको लेना था। टी8 अभी आ चुका है, 40% आपको लेना है पूरा। और अरे यार फोन बज गया, एक सेकंड, फोन को साइलेंट कर दिया। अरे यार यार सभी रेस तो खत्म हो चुका है। चलो कोई नहीं, चलिए यहाँ से आपको और अच्छी वैल्यू मिलती जा रही है यार। अब ज़्यादा स्पेस बचे नहीं है, वार्डन भले ही जिंदा है लेकिन वार्डन कर पाएगा ना काम। अब यहीं से हमको शुरू करना पड़ेगा क्योंकि RC की एबिलिटी गलत टाइम पे यूज़ हो चुकी है, और इसमें मेरी गलती तो नहीं है, तो गलती किसकी है यार। यार तो सिंगल टारगेट बचे हैं, ये बहुत बड़ा पोर्शन बेस का अभी तक बचा हुआ यार।
रीडायरेक्ट मैंने कर दिया अपनी आरसी को। चलो यार अरे यार चलो पार हो गया ना। अरे यार उतना अच्छा स्टार्टिंग पर नहीं गया था लेकिन अब पार हो चुका है। अरे यार चलो पार कर दिया। चलो गाइस इस तरह से आप आसानी से पार कर सकते हो। भाई बीच में मुझे नहीं लगा था कि ये हो जाएगा लेकिन चलो पार हो गया तो हो गया, आने वाला तो सब भला। तो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड। और क्या आ गया, इवेंट कंप्लीटेड। अरे यार बाहर जाना मैं का देखो, मैंने 3 स्टार मारा था तो चलो इस 3 स्टार को भी आपको दिखा दे एंड बाद में दिखाएंगे। वो लाइव अटैक करते हैं, बहुत टाइम से नहीं किया लाइव अटैक। कितना बड़ा वीडियो, अभी 5 ही मिनट का हुआ। और भाई मैंने 6 मिनट में पार कर दिया जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट है। भाई सही बताया तो मैंने ये 3 बार ट्राई किया था, ये मेरा पहला ट्राई था। आप समझ सकते हो क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा स्टार्ट उतना अच्छा जा ही नहीं रहा था। कई बार क्या बोलते हैं, कई स्टार्टिंग में बुड्ढा का एबिलिटी यूज़ हो जा रहा था या बुड्ढा मर जा रहा था या जो भी हो, कोई क्वीन नहीं मरी थी फ्रीज होने में। लेकिन आप लोग को भी वैसा कर सकते हो क्योंकि अनलिमिटेड ट्राइज है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 3 बार है। क्लैश रॉयल का इवेंट्स है, अरे क्लैश रॉयल से याद है, आप लोग को पता है क्लैश रॉयल में बहुत अच्छे अच्छे वो आ चुके हैं, मस्त अपडेट है। तो बड़ा जाना हमें का यार, देखो सब टाउन 11 है लेकिन मेरे को टाउन 11 पे देना नहीं है, टाउन 10 पे देना है। और ये टाउन 10 है एंड माय मर्जीज कर रहा है कि मैं इस पे दे दूं, लेकिन अभी मेरा स्टार बोनस है इसलिए मुझे को 3 स्टार भी करना है। और अभी यार लाइव अटैक दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो भाई थोड़ा नर्वसनेस है। यार लूट भी तो बहुत कम हो जाता है मास्टर लीग, इसलिए मेरे को बर्न करा क्रिस्टल में, क्या करे डिमोशन लगवा ले भाई साहब, लूट देख रहे हो लूट। लेकिन अभी स्टार बोनस में अभी स्टार के लिए प्ले कर रहा हूँ, इतना दिन के बाद लाइव अटैक कर रहा हूँ। और लाइव अटैक के ऊपर मैं कभी वीडियो बनाता है, अरे ये मस्त है ना, आएगा ना मज़ा वीडियो। इसका सीसी का सीसी यहाँ पे है, दोनों सिंगल टारगेट है, एक्सबोस एक भी नहीं है। तो मैं क्वीन के साइड से तो नहीं दूंगा, मैं इस पोर्शन नहीं, यहाँ पे तो विजट आ रही है नहीं, यहाँ पे देखे भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इस पोर्शन पे दे दूंगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंगल टारगेट और स्वीपर है तो इस पोर्शन से देना पड़ेगा। छोड़ दिया बाहर जान दो, कोई प्लान नहीं है, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे ये दे दो, सब दे दो, यहाँ पे 5 को हीलर बैठा दो इस साइड से, क्यों दे दिया तो दे दिया बाहर जान दो हमें का। अरे 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 किंग अभी मरेगा, बाहर में जाओ किंग, जा मर जा तू सस्ते भाव में जा। हाँ अब मर गया, चलो किंग मर गया, वेरी गुड माय गुड किंग, अच्छे से मर गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमको यहाँ पे रेज लगेंगे इस, अरे रे 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 तेरा बाप का हीलर है, अरे तेरा बाप का हीलर है, अरे तेरा बाप का हीलर, भाई 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 साहब भाई टट्टी हो गया। इतना दिन के बाद लाइव अटैक दे रहे थे, उसे भी टट्टी पनी हो जाती है ना, तो यही सब होता है, क्या बोले। अब क्या कर सकते रे, अब तो इसी, अरे यार अभी तक तो ये भी तक नहीं मरा, यार यार टाउन हॉल बस मिल जाए। अरे अरे नहीं मिलेगा टाउन हॉल, नहीं मिलेगा। चलो यार क्या करो, वहाँ पे उस बैलून को बुलाते हैं, चलो लून के बच्चे को। उस लून को यहीं पे बुलाना ही होगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वाट लग जाएगी, वाट भाई वाट तो लग चुकी है अटैक की। मेरी बहन शक्तिमान देख रही है, हम क्या बोले। अरे यार ये लून इधर उधर क्यों कर रहा है, चुपचाप एक दिशा पे नहीं काम कर सकता क्या, कभी आर्चर के पास आता कभी इधर जाता, मैं माइनर भी दे पाऊंगा।
अब नहीं आएगा वापस। चलो किसी तरह 2 स्टार तो स्कोर हो गया भाई। एक इजी ट्रिपल था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो लून अभी तक जिंदा है भाई। लून है क्या है, कभी मरता ही नहीं है। अरे यार कुछ नहीं हुआ भाई। भाई यहाँ पे पहुँच के माइनर यार, चल ठीक ठाक था, उतना भी कोई ख़राब नहीं था। स्टार्ट कितना घटिया, स्टार्ट के बाद ठीक ठाक अटैक हो गया। बाढ़ में जा दो और एक रिवॉर्ड भी आ गया, क्लॉक टावर पोर्शन ले लेते हैं। और चलो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड, सो बी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज टेल व्हाई यू लाइक और बाय बाय जान दो भाई।